हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण। आज फिर से आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव डीआईवाई लेकर के आई हूं, जिससे अगर आपके दांतों में पीलापन है, गंदा है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों से बहुत ही गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है, तो उन सभी चीज़ों का इलाज दोस्तों आपको आज का ये डीआईवाई ज़रूर देगा। आपके दांत मोती जैसे सफ़ेद हो जाएंगे, खूबसूरत दिखेंगे, आपके दांतों से बदबू आनी बंद हो जाएगी। हर कोई को सुंदर, खूबसूरत और मोती जैसे चमकते हुए दांत चाहिए ही चाहिए होता है। तो उसके लिए वो बहुत तरह की दवाइयाँ करते हैं, दांतों में दर्द से परेशान होते हैं, तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं का इलाज आज का ये छोटा सा डीआईवाई आपको कर देगा। घर का नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो है बहुत ही जल्दी आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो आज का ये घरेलू नुस्खा बनाने के लिए दोस्तों आपको लहसुन चाहिए होगा। लहसुन घर में घर घर में अवेलेबल होता है और लहसुन को बोला जाता है दोस्तों औषधीय गुण का भरमार होता है इसके अंदर। भरपूर मात्रा में इसके अंदर औषधीय गुण होता है, जिससे हमारे बहुत सारी बीमारियों को ये दूर करता है। दांतों को की जो है सड़न, दांतों में पीलापन, दांतों में बदबू का आना, दांतों में दर्द का होना, इन सभी चीज़ों से ये बचाता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एंटीबैक्टीरियल गुण, जिससे हमारे दांतों में कीड़े वगैरह लगे रहते हैं तो वो सही रहता है। और अगर आपके दांतों में कीड़े नहीं लगे हैं तो आपके दांतों से स्मेल नहीं आएगी, पायरिया का प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ ही लहसुन में और भी भरपूर मात्रा में गुण होता है। ये हमारे दोस्तों जोड़ों के दर्द में भी इलाज करता है, ब्लड शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लहसुन लिया है। आपने देखा अभी कि मैंने 4 लहसुन की छोटी छोटी कली ली है। अगर लहसुन बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा है तो 2 कली से भी काम चल जाएगा। तो लहसुन को आपको यहाँ पे 4 लहसुन इस मीडियम साइज़ के लेने हैं और उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है दोस्तों। लहसुन को काफ़ी अच्छे से छिलका निकाल के उसको कद्दूकस कर लेना है। आप यहाँ पे चाहे तो लहसुन का जूस भी ले सकते हैं और इस तरीके से कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। जूस निकालना बहुत ही आसान है। इस तरीके से कद्दूकस करने के बाद इसको आप छान ले, अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है तो। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए दांतों की इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 लहसुन को अच्छे से कद्दूकस कर दिया है दोस्तों, और उसके बाद लहसुन को ले लिया है। अब लहसुन के अलावा जो बहुत सारी चीज़ होती है दोस्तों, जो कि आपको लगेगा कि लहसुन तो बहुत ही स्मेल करेगा, हम कैसे मुंह में डालें कच्चा, तो दोस्तों कच्चे लहसुन में ही बहुत ही औषधीय गुण होता है, इसलिए कच्चे लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों में भी, बहुत सारी चीज़ों का इलाज करने में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सामग्री जो हम ले रहे हैं ये दोस्तों टमाटर। टमाटर आप देख सकते हैं, टमाटर के अंदर भरपूर मात्रा में भी पाया जाता है एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुण। इसके अंदर विटामिन सी होता है, जूसी होता है, जो कि हमारे दांतों के दर्द के लिए बहुत ही असरकारक होता है। तो यहाँ पे आधा सभी थोड़ा सा मैंने जो है टमाटर लिया है, आपको इसका जूस निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से इसको कद्दूकस करके इसका पल्प ले सकते हैं। सभी के सभी हमारे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे दांतों के लिए। टमाटर में बोला जाता है दोस्तों बहुत सारे भरपूर मात्रा में गुण होते हैं, जो हमारे दांतों को तो सही करता ही करता है, हमारी बॉडी के लिए भी टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुण पाया जाता है, जो हमारे दांतों के दर्द में, दांतों के पीलापन को दूर करने के लिए बहुत ही असरकारक होगा। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, टमाटर को अच्छे से कद्दूकस करके उसका पल्प ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है टमाटर का पल्प ले लिया है दोस्तों। जो नुस्खा बता रही हूँ दोस्तों 100% इफेक्टिव है, आपके पीले दांतों को सही करेगा, मोती के जैसा चमका देगा दोस्तों। ट्राई जरूर करिएगा। वीक में आपको ये वाला नुस्खा सिर्फ 2 बार करना है। 2 बार करने से ही आपके दांतों के पीलापन को दूर करेगा, आपके दांतों के दर्द को दूर करेगा, आपके दांतों में अगर गंदी बदबू है तो उसको दूर करेगा दोस्तों। अब दूसरा तीसरा सामग्री जो हमने लिया है ये हमारा है बेकिंग सोडा। आधा चम्मच बेकिंग सोडा का आपको इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा में दोस्तों भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हर एक चीज़ों को ब्लीच करता है, सफ़ेद करता है, और आपके दांतों में जो है जितनी भी गंदगी रहेगी, पीलापन रहेगा, उसको दूर करेगा। उसके बाद 1 चम्मच से आधा चम्मच के आसपास आप टूथपेस्ट जरूर लें। कोलगेट वाला मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा अगर आप नहीं है, जिस भी पेस्ट से आप डेली ब्रश करते हैं उस पेस्ट को आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो आज का ये होम रेमेडी आपका दांतों को पीलापन दूर करने के लिए रेडी हो चुका है। पीलापन के साथ साथ ही मैंने आपको बताया ये बहुत सारे काम करेगा, दांतों में गंदी बदबू वगैरह को दूर करेगा, दांतों को मोती जैसा सफ़ेद बनाएगा, सुंदर चमकाएगा दोस्तों,
और बहुत ही इफेक्टिव है। जो भी सामग्री मैंने यूज़ की है सबके सब भरपूर मात्रा में फायदेमंद है। लहसुन हो गया, लहसुन में एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल गुण होता है, टमाटर में एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल गुण होता है, विटामिन सी होता है, और उसके बाद बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट, ये सभी चीज़ें हमारे लिए दांतों के लिए भरपूर मात्रा में फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है रेस्ट रेस्ट पेस्ट, ये जो होम रेमेडी रेडियो का, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, इस्तेमाल करने के लिए आप जो भी ब्रश लेते हैं, जो भी टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, उसमें आपको लेना है, और उसके बाद इसको आपको दांतों पे अच्छे से नॉर्मली जैसे भी आप ब्रश करते हैं, रब करते हैं, उस तरीके से इसको हल्के हल्के ब्रश से रब करना। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे अपने फिंगर पे करके दिखाती हूँ, हल्के हल्के हाथों से आपको इसको रब करना है। ये वाला नुस्खा आप घर के हर सदस्य को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ये वाला होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, और आपके दांत मोती जैसे सफ़ेद हो जाएंगे दोस्तों। कुछ ही दिन कीजिए, कुछ दिन के इस्तेमाल करने से बहुत ही फर्क दिखेगा, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दांतों के दर्द से परेशान है आप तो उस दर्द में भी बहुत ही ज़्यादा आराम देगा दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये छोटा सा होम रेमेडी, दांतों को पीलापन दूर करने का नुस्खा, दर्द दूर करने का नुस्खा, पाड़ियाँ दूर करने का नुस्खा? अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।